नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ड्रोन के रिलेटेड नए ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। अभी नए ड्राफ्ट रूल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपने अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर किया हो और उसका डिलीवरी आपको ड्रोन के तरफ से आ जाएगा। ड्रोन आपके घर आपका ऑर्डर लेके आ जाएगा। अगर आपने पिज्जा ऑर्डर किया हो तो आपका पिज्जा ड्रोन आपके घर में लेके आएगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं। ये ड्राफ्ट रूल्स के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक नोटिस दिया है। पब्लिक को ऐसा बोला है कि आप 5 अगस्त तक आपके जो भी सुझाव है ये ड्रोन रूल्स के रिलेटेड, तो आप सुझाव दो। इंडिया में ड्रोन के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि जैसे आपको पता है कि जम्मू एरिया में ड्रोन के ऑपरेशन बहुत होते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप हो। तभी गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि इंडिया में अब ड्रोन का भी यूज किया जाएगा। ड्रोन को हम अब ऑटोमोबाइल की तरफ नजर से देखने वाले हैं। मतलब जैसे गाड़ियों को लाइसेंस होता है, वैसे ड्रोन का भी आपको लाइसेंस मतलब UAN नंबर निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो रस्ते की कारें होती है उसके लिए आपका ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, वैसे ही ड्रोन के लिए डिजिटल स्काई मैप्स आने वाले हैं। डिजिटल स्काई मैप्स मतलब आपको इसमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन दिखने वाले हैं। ग्रीन जोन मतलब ऐसा इलाका जहां पे आप ड्रोन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। रेड जोन और येलो जोन ऐसे जोन रहेंगे जहां पे रेस्ट्रिक्शन से ड्रोन वहां पे आप उड़ा नहीं सकते हो। साथ ही साथ आपको ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको 10 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये लाइसेंस बड़े ड्रोन्स के लिए है। छोटे नैनो और माइक्रो ड्रोन्स के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे ये आते हैं सामने कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने ड्रोन जो आपको इस्तेमाल करना है उसके लिए पहले फॉर्म भरने पड़ते थे 25, अब आप 6 फॉर्म्स भर के ड्रोन के लिए आप परमिशन ले सकते हो। ड्रोन की जो फी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस की है गवर्नमेंट ने। अगर आप ड्रोन की फी जाने तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस मतलब जो बड़े ड्रोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है, वो 100 रुपीज का है। साथ ही साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है वैसे ड्रोन का भी लाइसेंस होगा, और उसको आपको इशू या फिर आपको उसको ट्रांसफर करना रहेगा तो 100 रुपीज की फी रहेगी। साथ ही साथ जो रिमोट पायलट लाइसेंस रहेगा उसकी भी फी आपको 100 रुपीज लगने वाली है। साथ ही साथ आप अपना पायलट ऑथराइजेशन या फिर आप रिन्यूअल करना चाहते हो आपका, तो फिर उसके लिए 1000 रुपये फी होने वाली है। मतलब ये जो है ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो ट्रेनिंग देगी, आप रिमोटली ड्रोन ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा ट्रेनिंग देने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है। उनको पावर देने वाले हैं कि वो लोगों को ट्रेनिंग दे, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग होते मोटर ड्राइविंग स्कूल होते, वैसे ड्रोन चलाने के लिए भी मोटर ड्राइविंग स्कूल होने वाले है। ध्यान रखिएगा, कुछ छोटे साइज के ड्रोन होते हैं जैसे नैनो साइज के ड्रोन हो या फिर माइक्रो साइज के ड्रोन हो, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने लाया है डिजिटल स्काई कॉन्सेप्ट। डिजिटल स्काई कॉन्सेप्ट में आपको मैप दिखने वाला है। गवर्नमेंट जैसे ये नोटिफिकेशन पास होगा वैसे गवर्नमेंट 30 दिन के अंदर ही अंदर डिजिटल स्काई टेक्नोलॉजी के मैप्स प्रेजेंट करने वाले है। ड्रोन का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, नैनो ड्रोन होते जो 250 ग्राम तक होते, माइक्रो ड्रोन होते 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक होते, स्मॉल ड्रोन 2 किलो से लेके 25 किलो तक होते, मीडियम ड्रोन 25 किलो से लेके 150 किलो तक किलोग्राम तक होते हैं, लार्जर ड्रोन होते हैं वो 150 किलोग्राम तक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब किलोग्राम में फिगर्स है। तो ये जो बड़े ड्रोन्स होते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे परमिशन लेने पड़ने वाले हैं, छोटे ड्रोन से वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी परमिशन अभी दे दी है। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो बिजनेस फ्रेंडली रहेगा, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम रहने वाली है। ई कॉमर्स कंपनियां ये डिसीजन से बहुत ज्यादा हैप्पी नजर आ रही है क्योंकि डिलीवरी जब आसान हो जाएगी तो काम भी जल्दी बनेगा, उनका बिजनेस तेजी से बढ़ता जाएगा। ड्रोन में कम से कम ह्यूमन इंटरफेस रहेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में, और साथ ही साथ बहुत सारी परमिशंस रहने वाली है ड्रोन की, वो सेल्फ जनरेटेड होने वाली है। साथ ही साथ ग्रीन, येलो और रेड जोन बनने वाले हैं जो आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में वो आपको आसानी से आप जमीन पर बैठ के देख सकते हो कि कहाँ मैं ड्रोन चला सकता हूँ।
जोन जो है वो 45 किलोमीटर हुआ करता था एयरपोर्ट से, लेकिन अब सिर्फ 12 किलोमीटर ही बचा है येलो जोन। मतलब आपको अच्छा खासा एयरपोर्ट के इलाके में भी आप ड्रोन चला सकते हो। साथ ही साथ फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड हो 400 फीट ग्रीन जोन में आप उड़ा सकते हो, साथ ही साथ 200 फीट आप उड़ा सकते हो 8 से 12 किलोमीटर एयरपोर्ट से। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आप अगर ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हो 400 फीट तक आप आसमान में उड़ा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप एयरपोर्ट के अगर आसपास आप रहते हो तो आपको 8 से 12 किलोमीटर जैसे येलो जोन बनेगा, तो फिर आप 200 फीट तक उड़ा सकते हो ऊपर ड्रोन को। साथ ही साथ आपको पायलट लाइसेंस निकालने की जरूरत नहीं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो माइक्रो ड्रोन या फिर नैनो ड्रोन या फिर R&D ऑर्गेनाइजेशंस को पायलट लाइसेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अब सामने आ रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी परमिशन लेने की, जो कंपनी ड्रोन बनाती है उनको भी सिक्योरिटी परमिशन वगैरह लेने की अब जरूरत नहीं पड़ने वाली है, कंपनी आराम से ड्रोन बना पाएगी। साथ ही साथ फॉरेन ड्रोन जो है वो भारत में उड़ पाएंगे, तो सारी चीजों के लिए परमिशन गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे देते जा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने 5 अगस्त तक का समय दिया है, 5 अगस्त तक आपको जो भी सुझाव है ड्रोन रिलेटेड वो सुझाव आप गवर्नमेंट को दे सकते हो। वो ईमेल आईडी है sdit.div-moca@gov.in। एड्रेस भी है कामेश्वर मिश्रा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, न्यू दिल्ली 110003। ये एड्रेस पे भी आप अपने जो भी सुझाव है वो गवर्नमेंट को दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को कि क्या क्या बदलाव आप चाहते हो ये ड्रोन के रूल्स में। तो आपकी इस बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।